हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल में आप लोगों का स्वागत है और पूजा ब्लॉग में। तो हम आ गए हैं किचन में और सबसे पहले हम चाय बनाएंगे। और चाय बनाने के लिए हम यहाँ दूध निकाल लिए हैं और 2 कप चाय बनाना है हमको। तो यहाँ गैस जला दिए हैं और गैस जलाने के बाद हम इसमें चीनी और चाय पत्ती डाल देंगे और कम करके इसे छोड़ देंगे। तो चीनी हम डाल दिए और चाय पत्ती। और यहाँ चिंगड़ी माछ है, साफ हो रहा है और हमको आज चिंगड़ी माछ और चिकन भी बनाना है। तो हम चिकन कैसे बनाएंगे और चिंगड़ी माछ को हम फ्राई करके रख देंगे तो वह हम आप लोग को दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ कितना बारीकी से चिंगड़ी माछ साफ कर रहा है लोग। और यहाँ टमाटर, धनिया पत्ता और मिर्ची आया था तो उसे हम धोकर घामा में रख दिए थे ताकि उसका पानी निकल जाए। और देखिए यहाँ चिकन भी किचन में रखा हुआ है तो हमको चिकन भी बनाना है। और एक साइड हम चाय चला रहे हैं और चाय पी लेंगे तब हम आएंगे किचन में चिकन बनाने के लिए। तो चाय मेरा हो चुका है तो चाय को हम छान लेंगे। और 2 कप चाय बनाए थे, एक कप अपने लिए और 1 कप अपने हस्बैंड के लिए। तो वो चाय हम उनको भी निकाल कर दे देंगे और हम भी पी लेंगे क्योंकि सुबह सुबह चाय हमको लगता है। और हम नहा कर आ गए थे और यहाँ हम प्याज काट रहे हैं और प्याज ऐसा रहता है ना कि हर कोई को रुला देता है। तो वही देखिए मेरी आँखों से आंसू टप टप गिर रहा है, फिर भी हम प्याज काट रहे हैं। इतना झांस है इस प्याज में कि पूरा आंसू गिर रहा है और प्याज कट हो रहा है। एक दूध उड़ता है ना प्याज का तो वही आँख में लगता है। तो हो गया, प्याज हम काटे लिए हैं, ये लास्ट प्याज था। और काटने के बाद हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं चिकन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम तेल रख देंगे और तेल को खूब गर्म होने देंगे। जब तक इसका धुआं नहीं निकलेगा तब तक हम इसमें जीरा वीरा नहीं डालेंगे। तो देखिए धुआं धुआं हो गया है तो इसमें हम जीरा डालेंगे सबसे पहले और तब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को पूरा गलाएंगे अच्छे से। और गरम तेल में कुछ भी डालिए तो हाथ जलने लगता है। तो सारे प्याज को हम डाल दिए हैं और डालने के बाद हम इसे खूब चलाएंगे और चलाने के बाद इसे हम खूब राउंड होने देंगे। और इधर हम टमाटर और धनिया पत्ता भी काट लिए हैं। तो प्याज मेरा गल चुका है तो इसमें हम चिकन डाल देंगे और चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो एक एक करके हम चिकन निकाल रहे हैं क्योंकि नीचे इसमें पानी है तो ये पानी नहीं डालेंगे, इसे हम फेंक देंगे। तो चिकन डालकर इसे चलाकर और इसे हम अच्छे तरह से गलने देंगे। तो चिकन गल गया है तो अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। जब चिकन अच्छे से भुजा जाए तब मसाला डालना चाहिए, उसका पानी जब हट जाता है। तो देखिए मेरा चिकन कितना सुंदर भुजाया है। तो अब हम इसमें मसाला डालकर भूजेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे हम। और मसाले में हम हर चीज़ पीस दिए थे जैसे मिर्ची, जीरा, मरीच, गरम मसाला, धनिया, हर चीज़ इसमें हम पीसे हुए हैं। अदरक, लहसुन, और ज़्यादा तो चिकन में अदरक लहसुन सबसे ज़रूरी है। और टमाटर भी हम डाल दिए हैं। तो चिकन मेरा मोटा मोटी हो चुका है तो इसमें हम धनिया पत्ता अब डाल देंगे और डालकर इसे हम कम करके और 5 मिनट छोड़ देंगे। और चिकन मेरा आधा भुजा गया है और इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि चिकन ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बन जाता है तुरंत अगर अच्छा से बनाइए तो। तो देखिए हम धनिया पत्ता डाल दिए हैं और इतना टेस्ट आया था चिकन में, बहुत अच्छा बना था चिकन। अब इसे 2 मिनट हम पकने देंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। और हम ऊपर आ गए थे कपड़ा उलटने के लिए क्योंकि अभी 11:30 बज गया है और आज थोड़ा काम में लेट हो गया है मेरा,
एक घंटा लेट जा रहे हैं अभी हम, तो यहाँ मेरा कपड़ा आधा सूख गया था और इसे हम नहीं पलटेंगे तो ये नहीं सूखेगा, तो इसे हम पलट देते हैं। और ठंड का मौसम है, कपड़ा को नहीं पलटिए तो ये सूखता नहीं है, दो दिन लग जाएगा। अगर उलट पलट कर आप सुखाते हैं तो ये जल्द ही सूख जाएगा। तो हमको आदत है, एक बार हम ज़रूर कपड़ा उलटने के लिए जाते हैं और शाम को उठा लेंगे इसे हम 4 बजे। आज धूप भी नहीं है, बहुत धूप कम है। और कपड़ा उलटने के बाद हम नीचे जाएंगे तो हम बर्तन धोएंगे, क्योंकि हमको चिंगरी माछ भी भूजना है। तो उसके लिए हमको कढ़ाई अजवार कर रख दिए थे, चिकन अजवार कर रख दिए थे, तो कढ़ाई को हमको धोना पड़ेगा। तो हम कढ़ाई को खूब अच्छे से धोएंगे ताकि मेरा मछली सटे नहीं। तो इसे अच्छे से धोकर हम ले जाएंगे, तब हम मछली फ्राई करेंगे। और चिंगरी मछली को बस फ्राई करके रखना है, क्योंकि वो अभी हम नहीं बनाएंगे, शाम को बनाएंगे। और चिकन बना है तो चिकन दिन में ही खाएगा लो, और मछली शाम को बनेगा। तो फ्राई कैसे करेंगे हम आप लोगों को दिखाते हैं। अब बर्तन बासन हम बाहर में ही करते हैं दोस्तों। तो बर्तन धो लिए हैं हम, कढ़ाई और छलनी को धो लिए हैं। और धोने के बाद हम मछली में नमक और हल्दी मिलाकर इसे फ्राई करेंगे। तो यही चिंगरी माछ है, 250 ग्राम आया था। तो चिंगरी माछ को साफ कीजिए तो और भी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं होता है। और माछ में तो ज़्यादा खोया वोया का कोई नहीं रहता है, लेकिन चिंगरी में ज़्यादा खोया निकल जाता है और थोड़ा सा हो जाता है। तो इसे फ्राई करेंगे तो और थोड़ा सा हो जाएगा, और जो चिंगरी माछ खाता है वो तो समझेगा ही। तो तेल गर्म हो चुका था तो हम चिंगरी माछ को एक घानी रख देंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई कर देंगे। और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो देख कर लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो, और लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ हम चिंगरी एक घानी निकाल लिए हैं, ये दूसरा हम डाल रहे हैं। बस इतना ही मेरा चिंगरी था, तो इसे हम फ्राई करके रख देंगे और शाम को बनाएंगे। तो ये भी मेरा फ्राई हो चुका है और इसे भी हम निकाल लेंगे दोस्तों। तो मेरा वीडियो यहीं तक था दोस्तों, बाय बाय।